चंडीगढ़ सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी है। जब मैं यहाँ आए तो मालूम पड़ा ये पहले स्थान पे कभी हुआ करती थी सफाई में, आज 66वें स्थान पे है ये। वो ये कह रहे हैं कि चंडीगढ़ को दिल्ली मॉडल की जरूरत नहीं है, जबकि दिल्ली को चंडीगढ़ मॉडल की जरूरत है। केजरीवाल जी ने जो कहा वो किया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि बाकी पार्टियों की नीयत पैसा बनाने की होती है राजनीति से, आम आदमी पार्टी के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की नीयत राजनीति से सेवा करने की। किस प्रकार से दिल्ली के अंदर एक मौका देने के बाद फिर भाजपा कांग्रेस को जनता ने मौका नहीं दिया कि आपने सबको देख लिया, कांग्रेस को देख लिया, भाजपा को देख लिया, सबको सौंप करके देख लिया, एक बार हमें देख करके देखो। नमस्कार, मैं हूं साजन शर्मा, अर्थ प्रकाश के स्टूडियो में। आज हमारे साथ जो है सोमनाथ भारती, दिल्ली विधानसभा के जो है एमएलए हैं और वहां पे कानून मंत्री रहे हैं। इन्होंने जो है एमएससी मैथमेटिक्स जो है आईआईटी दिल्ली से कर रखी है, खूब पढ़े लिखे हैं और बड़े अच्छे तरीके से लोगों की समस्याओं को जो है समझते हैं, उन तक पहुंच बनाते हैं और उनका हल करते हैं। चंडीगढ़ में 24 तारीख को नगर निगम के जो चुनाव होने जा रहे हैं उस सिलसिले में ये चंडीगढ़ पधारे थे, बहुत सारे वार्ड्स में इन्होंने जाके प्रचार किया। आइए उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह की स्थिति वो है आपकी इस चुनावों में, नगर निगम के चुनावों में देख रहे हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने स्टूडियो में मुझे इन्वाइट किया। अर्थ प्रकाश एक बड़ा एस्टैब्लिश्ड न्यूज़पेपर रहा है और काफ़ी सुना है इसके बारे में। देखिए क्या है कि जो स्थिति अपनी दिल्ली में थी कि जिस प्रकार से हमने तब लोगों को अपील किया था कि भाई आपने सबको देख लिया, कांग्रेस को देख लिया, भाजपा को देख लिया, सबको सौंप करके देख लिया, एक बार हमें देख करके देखो, तो आप जानते हैं फिर दिल्ली में क्या हुआ। जब दिल्ली ने एक बार हमें सौंपा तो फिर दूसरी बार भी सौंप दिया, 67 दिया 70 में से, फिर तीसरी बार भी दे दिया 62-70 में से, अनप्रेसिडेंटेड, कभी ऐसे इतिहास में नहीं हुआ। हम वही चीज यहां पर कह रहे हैं कि नगर निगम में हम कभी पहले खड़े नहीं हुए, फर्स्ट टाइम है। 25 साल से भाजपा और कांग्रेस बराबर के शेयरिंग पे है, करीब करीब एक की 13 साल की रही, एक की 12 साल की रही है यहाँ पे गवर्नेंस म्यूनिसपालिटी में जी। तो मेरा हम सबका पार्टी का यही प्रपोजल चंडीगढ़ की जनता को है कि एक मौका आप हमें दे करके देखिए, कि आप एक बार 5 साल हमें दे करके देखिए, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें फेंक देना। तो लेकिन आपको पता है कि किस प्रकार से दिल्ली के अंदर एक मौका देने के बाद फिर भाजपा कांग्रेस को जनता ने मौका नहीं दिया। चूंकि अच्छा, दूसरी बड़ी बात क्या है कि दिल्ली में तो कोई मॉडल नहीं था दिखाने को जब हम फर्स्ट टाइम खड़े हुए थे कि मैम क्या करेंगे, लेकिन चंडीगढ़ के साथियों को, चंडीगढ़ के मतदाताओं को सब कुछ पता है। चूंकि दिल्ली से चंडीगढ़ का काफी आना जाना है लोगों का, चंडीगढ़ काफी लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली काफी लोग चंडीगढ़ में रहते हैं, तो सबको पता है कि भाई किस प्रकार से इन्होंने बदलाव किया वहां। और बदलाव जो दिल्ली में हमने किया उसका अगर हम पंजाब की भाषा में या पंजाब के कल्चर के तरह से समझाने का प्रयत्न करूं तो मुझे साईं बुल्ले शाह की याद आती है। साईं बुल्ले शाह ने जब परमात्मा को ढूंढ रहे थे तो अपने गुरु के पास गए, शाह इनायत के पास, उस वक्त वो गुरु ढूंढ रहे थे और पूछा कि जी रब कैसे मिलेगा, तो सायनाथ उस पर कैरी लगा रहे थे अपने खेत में और बगैर देखे बुल्ले शाह जी को उन्होंने कहा, बुल्लिया रब दा की पौना, एथो पुटना एथे लौना, कि भाई दिस मोमेंट यूर टर्न योर फेस इज टुवर्ड्स द वर्ल्ड एंड बैक इज टुवर्ड्स द गॉड, जस्ट टर्न इट अराउंड एंड यू ब्रिंग योर फेस टुवर्ड्स द गॉड। सिमिलरली मैं अपने चंडीगढ़ में जितनी मेरी मीटिंगें हुई सब में कहा कि भाई जिस पार्टी की नियत ऐसी हो, नियत सेवा की, दो चीज है सेवा और पैसा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि बाकी पार्टियों की नियत पैसा बनाने की होती है राजनीति से, आम आदमी पार्टी के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की नियत राजनीति से सेवा करने की है। तो बोले यार अबदा की पोना, सेवा का जो हमारा नियत है हम उस तरफ केंद्रित हैं, बाकी पार्टियां पैसे बनाने की तरफ केंद्रित है, यही हम दोनों में फर्क है। आप पिछले 7 दिनों से जो है यहाँ चंडीगढ़ में प्रचार कर रहे हैं, विभिन्न वार्डों में जा रहे हैं, तो किस तरह की स्थिति जो है आपकी देख रहे हैं? मैंने जो सबसे बड़ी चीज ये देखी कि सबको मालूम है कि दिल्ली में क्या क्या हमने किया है
और केजरीवाल जी एक अनूठे पॉलिटिशियन पूरे हिंदुस्तान में हुए जिनके साथ एक एक चीज जुड़ गई कि केजरीवाल जी ने जो कहा वो किया। बाकी अच्छा मैं आपको याद दिला दूं, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, माननीय वित्त मंत्री जो हमारे दिल्ली सरकार के हुए मनीष सिसोदिया जी, मुझे याद है कि हाउस में जब वो पेश कर रहे थे बजट फर्स्ट टाइम, तो अपनी मैनिफेस्टो हाथ में उठाई और एक बात कही जो कि भारतीय राजनीति में कोई नहीं कहता। कहा कि भाई ये जो मैनिफेस्टो है ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है हमारे लिए, ये है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। कोई पार्टी अगर ये कह दे ना भाई साहब कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, वी आर कॉन्ट्रेक्चुअली बाउंड बाय द व्हाट वी हैव सेड इन द मैनिफेस्टो, ये बहुत बड़ी पैराडाइम शिफ्ट है पॉलिटिक्स में। नहीं तो जो भाजपा के साथ ही अभी अपने मैनिफेस्टो में कह रहे हैं वो 95% वही जो पिछली बार कहा था उन्होंने तो पूरा नहीं किया। तो इस करके मेरी चंडीगढ़ के जनता से हाथ जोड़ की विनती आपके माध्यम से कि भाई इकलौती पार्टी है कि जो कहती है वो करके दिखाती है, और जो मैनिफेस्टो हमने इस बार दिया है डिटेल्ड दिया है, और 5 मुख्य वादे केजरीवाल साहब ने किए। पहला कहा कि जो डड्डू माजरा चौथे जोड़ा बनिया हुआ है पहाड़ कूड़े दा, वो दिल्ली में भी वही हाल है, भाजपा वहां भी वहां के एमसीडी में है, यहाँ के एमसीडी में है, तो हमने वहां भी खत्म करनी है अप्रैल के चुनाव में, जब भाजपा से छीन करके जनता दे देगी हमको एमसीडी वहां और यहाँ भी खत्म करनी है, पहला वो हमारा प्रॉमिस है। सेकेंड, वो 20 लीटर पानी हमने मुफ्त में देना वो बता दिया। थर्ड, जिस प्रकार से दिल्ली में 1076 का एक प्रचलन हुआ, जनता अगर आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, अगर आपने अपने कोई काम करानी है, मान ले डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना है या कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, कुछ भी बनाना है, अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, अब सारे दिन की छुट्टी लो, दफ्तर जाओ, चक्कर काटो, वहां दलाल खड़े होते हैं, वो अलग मुसीबत है। अरविंद जी ने दिल्ली में क्या किया, पहली बार सरकार को वास्तविक रूप में जनता के द्वार पर खड़ा कर दिया। 1076 डायल करो, बोलो भाई जी मैं बहुत बिजी रहता हूं, मैं बड़ा जर्नलिस्ट हूं, मैं शाम को ना आपको 8 बजे के बाद मिलूंगा, तो आप 8:30 मेरे घर आ जाओ। तो 8:30 बजे सरकार आपके घर आती है, अपना स्कैनर लेके आती है और आपके डॉक्यूमेंट्स लेती है और सारा कार्यक्रम करती है। वही चीज हम यहां चंडीगढ़ में भी म्युनिसिपैलिटी में आने के बाद जनता को देंगे। लेकिन एक परिस्थिति जो आप बता रहे हैं कि दिल्ली के अंदर विधानसभा है और चंडीगढ़ में इस तरह की कोई विधानसभा नहीं है, यहाँ जो भी फैसले लेता है वो प्रशासन लेता है, प्रशासनिक अफसर वो फैसले करते हैं जो कि सीधे केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, तो अगर आप इंडिविजुअल यहाँ पे कोई डिसीजन लेना चाहेंगे तो वो डिसीजन जैसे पानी का ही मसला है कि अगर आप फ्रीबीज देना चाहते हैं पानी बिजली या और कोई मसले तो उसमें आप वो फ्री नहीं दे सकते, यहाँ पे एक बाइंडिंग ये रहेगी कि क्योंकि यहाँ के कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो नगर निगम में पास होते हैं और प्रशासन उसको रिजेक्ट कर देता है। देखिए मैं वकील भी हूँ जी, मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। क्या है कि देश में जो संविधान, जो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान दिया हुआ है ना, बहुत ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट है, उसमें टर्शियरी लेवल ऑफ गवर्नेंस है, पहला है म्युनिसिपल या पंचायत, शहरों में म्युनिसिपैलिटी और गाँव में पंचायत, उसके ऊपर स्टेट है और उसके ऊपर सेंटर है। म्युनिसिपैलिटी चाहे चंडीगढ़ की हो चाहे दिल्ली की हो, वो इंडिपेंडेंट यूनिट है, उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं चलता। जो म्युनिसिपैलिटी का हाउस डिसाइड कर लेगा उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो दिल्ली का हो या यहां का हो, उनके अपने अपने हाउस हैं, जो हाउस से फैसला करेंगे वो मान्य होगा। एडमिनिस्ट्रेटर साहब यहां भी कुछ नहीं कर सकते ना वहां जी साहब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। हमारी दिल्ली के स्टेट भले ही थोड़ी कमजोर है क्योंकि वो जिस प्रकार से केंद्र ने वहां इंटरफेयर करने के लिए ठान रखा है, म्युनिसिपैलिटी वहां की भी कमजोर नहीं और यहाँ की भी कमजोर नहीं। एक जो भाजपा के बड़े नेता कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि चंडीगढ़ को दिल्ली मॉडल की जरूरत नहीं है, जबकि दिल्ली को चंडीगढ़ मॉडल की जरूरत है क्योंकि हम एजुकेशन में बहुत आगे हैं, हम जो है और क्षेत्रों के अंदर भी बहुत आगे हैं। तो कई सारे क्षेत्र ऐसे गिनवाए हैं उन्होंने, जैसे सीसीटीवी कैमराज लगाए हैं, तो सीसीटीवी कैमराज यहाँ पे कई हजार की संख्या में लग चुके हैं, तो उनका कहना है कि सुरक्षा तो यहाँ पे ज्यादा है, वहां तो सब तरह के क्राइम्स भी हो रहे हैं और इस तरह की बात कोई नहीं है, हमारे तो स्मार्ट मॉडल स्कूल भी उनसे ज्यादा है। देखिए कहना आसान है, हम लोग चंडीगढ़ को देखते थे पहले, मैं चंडीगढ़ में बहुत सालों बाद आया हूँ, मैं तो चुनाव के चक्कर में आया,
जब हम सोचते थे चंडीगढ़ लगता था सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी होगा, जब हम यहाँ आए तो मालूम पड़ा ये पहले स्थान पे कभी हुआ करती थी सफाई में, आज 66वें स्थान पे है ये। तो ये पहले से जो 66वें पे आई है तो वो तो अपने आप में सब कुछ कह रहा है। तो मुझे लगता है कि जो साथी अभी पॉलिटिक्स में हैं कम से कम इतनी शर्मिंदगी तो करें कि भाई आपने कहाँ से कहाँ तक पहुँचा रहे चंडीगढ़ को। और दिल्ली इकलौता शहर है पूरे विश्व में, न्यूयॉर्क से भी आगे है, लंदन से भी आगे है, पहला शहर है जहां की इतनी भारी संख्या में करीब 3 लाख हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, चप्पा चप्पा छान दिया है। और जहां तक क्राइम की बात करें तो भाजपा के साथियों को पता होना चाहिए कि दिल्ली का पुलिस केजरीवाल जी के हाथ में तो है नहीं, दिल्ली का पुलिस चंडीगढ़ पुलिस की तरह ही है भाजपा के हाथों में, केंद्र सरकार के हाथों में। इसलिए अपने साथियों से पूछ लें दिल्ली वालों से कि भाई क्यों नहीं तुमने क्राइम कंट्रोल वहां किया। तो जो म्युनिसिपैलिटी का वर्क है हम उसमें चंडीगढ़ को अव्वल नंबर पे लाएंगे, वापस इकलौते नंबर एक पे इनको स्थापित करेंगे, रिस्टोर करेंगे चंडीगढ़ की ब्यूटी को, सिटी ब्यूटीफुल फिर बनाएंगे इसको। और देखा होगा आपने कि करप्शन हर करीब करीब हर स्तर पे है। तो एंटी करप्शन क्रुसेडर तो केजरीवाल जी हुए है ना जी। वो अलग बात है, साथियों को बता दूं कि जो हमने जब मैं लॉ मिनिस्टर था उसमें लोग कपते थे, ऐसे जो कपता था कि भाई कहीं कोई आ गया, चूंकि केजरीवाल जी ने कहा था भाई रिकॉर्ड कर लेना, मोदी जी आते के साथ सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि जो एंटी करप्शन ब्रांच 40 से ज्यादा साल से दिल्ली सरकार के पास हुआ करता था उसे छीन लिया। तो आज के तारीख में हमारे पास कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है ही नहीं दिल्ली में जिसके जरिए हम एंटी करप्शन को बढ़ावा दें, जिसके जरिए हम करप्ट को पकड़ के जेल में डाल सके। लेकिन यहां हमारे पास सुविधा होगी, जब म्युनिसिपैलिटी में यहां आ जाए चाहे वहां आ जाए, विजिलेंस डिपार्टमेंट उसका अपना होता है। तो करप्शन से मुक्ति और जो एक विजन है केजरीवाल जी का कि भाई सिटी ब्यूटीफुल कैसे रिस्टोर करना है, हमने वो डॉक्यूमेंट दे रखा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों नेशनल पार्टीज हैं आपके मुकाबले में, आप उनकी पॉलिटिक्स को किस तरीके से देखते हैं, दोनों पार्टियों की पॉलिटिक्स को किस तरीके से देखते हैं आप? और दूसरी चीज यह है कि आप किसको डेंट पहुंचाएंगे इन चुनावों में? देखिए डेंट किसको पहुंचाएंगे वो तो जनता बताएगी, लेकिन जो हमारी पॉलिटिक्स है ना जी, वो हमारी पॉलिटिक्स काम की राजनीति है। हमने कभी धर्म की राजनीति नहीं की, हमने कभी जाति की राजनीति नहीं की, हमने सिर्फ की काम की राजनीति कि भाई हम ये काम बेटर। आज देखो ना जी हिंदुस्तान में अब राज्यों के अंदर चर्चे होने लगे हैं कि स्कूल, हमें भी परसों पढ़ रहा था कि हैप्पीनेस क्यूरिकुलम मानी जो योगी आदित्यनाथ जी है यूपी में वो भी लाना चाहते हैं। तो अरविंद जी का तो सपना ही था, हमारा सपना ही था कि राजनीति बदलने आए हैं हम, ठीक है। और ये तो इनकी नाकामियां हैं कि हम लोग राजनीति में आए हैं, अगर ये काम कर रहे होते तो हम क्यों आते राजनीति में। अब तो इन्होंने जो मौका दिया हमें, जो कि इन्होंने चैलेंज किया दिल्ली में, अब दिल्ली तो हमारी हो ही गई, जनता ने वहां दे दी तीसरी बार ताकत हमें। चंडीगढ़ में भी जनता तैयार बैठी है कि भाई 13 साल का कांग्रेस, 13 साल कांग्रेस ने राज किया है म्युनिसिपैलिटी के अंदर, 12 साल भाजपा ने किया है, तो हम एक बार 5 साल केजरीवाल जी को यहां पे देंगे मौका, जिससे कि ये भी जो हमने मैनिफेस्टो में कहा हुआ है उसको करके दिखाने का इनको मौका मिले। एक कांग्रेस और बीजेपी ये भी आरोप लगाती है कि जो फ्रीबीज की पॉलिटिक्स है, फ्री में जो चीजें बांटी जा रही हैं एक आम आदमी तक आप पहुंचा रहे हो और यही आपकी एक राजनीति का आधार भी बना आगे, तो उसमें आपको क्या लगता है कि ये टैक्स पेयर का पैसा टैक्स पेयर से जो है उनके पास पहुंचा दिया, तो टैक्स पेयर को तो डेंट तो उसको भी पड़ेगा, कहीं ना कहीं से उसकी कंपेंसेट तो करना पड़ेगा आपको। देखिए बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है, चूंकि इसके जरिए सबको समझ में आ जाएगा जनता को। सबसे पहली बात, एक बहुत बड़ी मिथ है कि सिर्फ धनी देते हैं टैक्स, गरीब से गरीब आदमी टैक्स देता है, कोई बीड़ी खरीदता है, कोई माचिस खरीदता है, कोई कुछ भी खरीदे गरीब आदमी, हर चीज पे टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है वो। तो सबसे पहले समझ लें इस लोग, भाजपा वाले समझ लें, कांग्रेस वाले लोग समझ लें कि भाई हर गरीब टैक्स दे रहा है। अब उस टैक्स के बदले आप क्या दे रहे हो जनता को? अब या तो केजरीवाल जी जो गुजरात के मुख्यमंत्री, जिन्होंने 8,000 करोड़ खर्च करके जहाज खरीदा, या तो वो कर लेते,
या फिर उस टैक्स के पैसे से जनता के लिए अच्छे स्कूल, जनता के लिए अच्छी मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक में सारी दवाइयां मुफ्त, सारे टेस्ट मुफ्त, सारे ऑपरेशन मुफ्त, सब कुछ मुफ्त दे रहे हैं। तो मुफ्त जो है ना जी, ये सिर्फ नाम है, मुफ्त कुछ नहीं है। ये जनता का ही पैसा का सबसे अच्छा सदुपयोग हो रहा है जनता को सुविधाएं दे करके, इसलिए को मुफ्त नहीं दे रहा। केजरीवाल जी अपने पॉकेट से थोड़ी दे रहे हैं वो, तो जो आप सोचिए, दिल्ली का एग्जांपल देता हूं आपको, 2015 में हमारा बजट था 30,000 करोड़, 2020 में आते आते हमारा बजट हो गया 60,000 करोड़। जो बजट बढ़ा करता था 1,000 करोड़ पर ईयर, वो केजरीवाल जी की ईमानदारी के कारण बजट बढ़ा 6,000 करोड़ पर ईयर। तो जो पैसे एक्स्ट्रा आए हैं हमारे पास, अगर हम उसमें से, जैसे कि हमारा जो हमने फ्री बस सेवा दिल्ली में दी महिलाओं को, कुल खर्च कितना हुआ जी हमें, 180 करोड़। अब 180 करोड़ और कहां 8,000 करोड़ का जहाज देख लीजिए आप, और देख लें आप दिल्ली में जो पानी दे रहे हैं मुफ्त में, मुझे लगता है कि सभी को सीखना चाहिए इसे कैसे चलता है सरकार के, क्या होती है गवर्नेंस। हमने पानी भी मुफ्त में दिया और जल बोर्ड को फाइनेंशियल भी ठीक किया। जब कांग्रेस की सरकार वहां हुआ करती थी तो जल बोर्ड महा घाटा में था, आज वो उसके फाइनेंस भी ठीक है और दिल्ली की जनता को 20,000 लीटर हम प्रति महीने प्रति परिवार पानी मुफ्त में दे रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस जो है आश्वस्त है कि हमें जो है इस नगर निगम चुनाव में, दोनों दावा कर रहे हैं कि मेजोरिटी मिलेगी, तो उसमें जो है आपको, आप कहां पे देख रहे हैं, नंबर एक। दूसरा, भाजपा मोदी लहर के सहारे जो है आश्वस्त है कि हम दोबारा फिर जो है नगर निगम के ऊपर कब्जा जमाएंगे, आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो ये देख रहा हूं कि मुझे याद है मेरा अपना चुनाव 2013 का, जब मैं पहली बार खड़ा हुआ था दिल्ली में मालवीय नगर विधानसभा से, तो जो भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार थे सिर्फ उन्हीं की चर्चा थी। मेरे कांग्रेस से थी किरण वालिया जी, जो प्रोफेसर हैं और वो मंत्री थी कांग्रेस में, और आरती मेहरा जी थी भाजपा की जनरल सेक्रेटरी, रही नेशनल सेक्रेटरी, तो मेरी चर्चा भी नहीं थी और जनता ने मुझे वोट उठा के बैठा दिया जी। तो जनता मालिक है, जनता जनार्दन है, जनता ने मेरी बात आप रिकॉर्ड पर ले लें, इस बार चंडीगढ़ में मन बना लिया है कि इस बार हम केजरीवाल जी को मौका देंगे। हमने ऐसा नहीं कि भाजपा को जनता ने मौका नहीं दिया, ऐसा नहीं कांग्रेस को मौका नहीं दिया, तो भाई जब आपको मौका दे तो आपने क्या कर दिखाया? आज आपके पास 5 काम गिनाने को नहीं है। जनता आज त्रस्त है कि भाई महंगाई इतनी हो गई, वही मोदी जी कहते थे बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, अब नहीं कह पाते। और जहां तक बात रही मोदी जी के लहर की, अब वो लहर नेगेटिव में है, क्योंकि जनता ने किसानों के जरिए देख लिया इनके पास क्या विजन है, जनता ने सैनिकों के जरिए देख लिया ये कितने बड़े देशभक्त हैं, जनता ने नकली हिंदुत्व का चेहरा बने मोदी जी को देख लिया, तो ये सभी चीजें जनता ने देख ली है। अब मोदी जी की लहर नहीं है, और लहर है तो नेगेटिव है, इस बार मोदी जी के नाम से इनके वोट कटेंगे, ठीक है जी, वोट जुड़ेंगे नहीं, इसलिए बाकी तो जनता मालिक है। नगर निगम के चुनाव को आप, जो चंडीगढ़ के नगर निगम चुनाव को आप, क्या पंजाब के चुनावों के साथ जोड़ के देख रहे हैं कि ये एंट्री हमारे को वहां पे देंगे, या पंजाब का चुनाव अलग मानते हैं इस सिनेरियो से? देखिए, थोड़ी बहुत आप रेफरेंस ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन म्युनिसिपैलिटी का चुनाव एक अलग स्तर का चुनाव होता है और स्टेट का चुनाव एक अलग स्तर का चुनाव होता है। लेकिन मैं आपको, आपके दर्शकों को बता दूं कि पंजाब स्टेट के चुनाव में भी जनता पिछली बार भी तैयार थी 2017 में भी, और आज भी तैयार है बहुत भारी मैंडेट देने के लिए। पिछली बार भी आपने वो तो अकाली, कुछ जो अकाली के नेता हैं सुखबीर जी, उन्होंने खुद मान लिया और कई सारे साथियों ने मान लिया कि भाई हाँ, पिछली बार जो है अकालियों की और भाजपाइयों की वोट को ट्रांसफर किया गया था कांग्रेस को, क्योंकि ये दोनों है ना, वो जो कहावत है मौसेरे भाई वाली जो कहावत है, तो इनके आपस में कंफर्ट लेवल है कि देखो भाई तुम्हें बचाएंगे तो हमें बचाना, और अगर आम आदमी पार्टी आ गई केजरीवाल जी आ गए तो मुसीबत हो जाएगी, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के स्किन को बचाएं, भले घर में दूसरे से लड़ें, लेकिन हमारी पॉलिटिक्स एक है, हमारी एका होनी चाहिए, बाहर वाले को नहीं आने दें।
केजरीवाल जी को नहीं आने दें, वो थर्ड जो न्यू एंट्री है उसको नहीं आने दें। तो ये इनका क्लब बड़ा एक अपना अंडरस्टैंडिंग का क्लब है, लेकिन इस बार जनता जो है पंजाब में भी और चंडीगढ़ म्यूनिसपालिटी में भी बहुत भारी बहुमत से जिताएगी। चूंकि आप कानून मंत्री रहे हैं तो एक सवाल पूछना बड़ा वाजिब बनता है कि पंजाब के अंदर सैक्रिलेज की घटनाएं हो रही हैं और एक माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? जो लिंचिंग करके एक दूसरे को मार दिया जाता है, बेअदबी बहुत गलत बात है कि किसी के धर्म के अंदर दखल देना या उसकी बेअदबी करना, लेकिन उसके साथ दूसरा पहलू जुड़ा हुआ है, कानूनी पहलू, कि जनता जो है या धर्म से जुड़े लोग अपने हाथ में कानून ले रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखिए? मैं अभी दो दिन पहले, क्योंकि बहुत सेंसिटिव सवाल आपने पूछा है, मैं दो दिन पहले फतेहगढ़ साहिब गया, कल फतेहगढ़ साहिब में था और परसों चमकौर साहिब में था। दसवें पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने चारों बेटों की कुर्बानियां धर्म के लिए दे दी। माता गुजरी कौर जी उनका उनका उनकी कुर्बानी धर्म के लिए दे दी। पूरे विश्व में, मैं चैलेंज करता हूं, पूरे विश्व में कोई हिस्ट्री नहीं है जो इसके पैरेलल खड़ा कर दो आप। और दसवें पातशाही जानी जान थे, कुल मालिक के रूप थे, चाहते तो बचा लेते, लेकिन उन्होंने मानवता के लिए एक ऐसा उदाहरण पेश किया कि जब बात धर्म की हो तो सबसे बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़े तो राजी रहना चाहिए। जो लोग बेअदबी कर रहे हैं कतई बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। और मैं चन्नी साहब से पूछता हूं आपके जरिए कि जो 2015 की बेअदबी हुई उसका क्यों नहीं अभी तक फैसला हुआ? जो जिन्होंने गलती की, जिन्होंने महा अपराध किया, उसको अभी तक जेल में क्यों नहीं डाला गया? क्यों वो लोग खुले फिर रहे हैं? तो गलती सरकार की है ना जी, तो सरकार पहले गलती सुधारे तब जाके धर्म की तरफ देखे। इसलिए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, बेअदबी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि बहुत सेंसिटिव मैटर है, सरकार को 2015 के बेअदबी के जो दोषी लोग थे उसको अंदर लगाना चाहिए था। अब तक तो जो ये सुखबीर बादल घूम रहे हैं उनसे क्यों नहीं पूछते चन्नी सरकार, क्या है उनकी अंडरस्टैंडिंग आपस की? उनके शासनकाल में बात हुई थी और बात में बहुत बहुत कुछ निकला, लेकिन चन्नी साहब के पता नहीं सुखबीर से क्या दोस्ती है, ये बताएंगे? पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, जो एक आपका मुद्दा है, आम आदमी पार्टी आपका नाम है, वो आम आदमी बनके लोगों के बीच में घूम रहे हैं और बड़े ऐसे सवाल खड़े करते हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर कि आम आदमी तो असली हम हैं या मैंने सारी जिंदगी एज ए आम आदमी के तौर पर काम किया है, तो आप इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं? देखिए मैं तो ये कहता हूँ, एक छोटी सी कहानी है दो लाइन की। एक सेठ जी थे, उनके पास एक गधा और एक बैल था। तो बैल ने गधे ने बैल को बोला कि भाई तेरे को सेठ इतना मारता है तो भाग के नहीं जाता? बैल ने कहा तू मेरी छोड़, गधे को बोला बैल ने, तू अपनी देख, गधे की मार दुनिया जानती है। तो गधा कहता है कि भाई ऐसा है ना, इतना बड़ा सेठ है, मारता तो बहुत है लेकिन रोज सवेरे आके मेरा पैर छू लेता है। आपको पता होगा गधे को गर्दन से नहीं बांधते, गधे को पैर से बांधते। तो सेठ उसका पैर छूता था खोलने के लिए कि भी तू जा काम पे लग। उसको लगता था कि हमारा सेठ जो मेरा पैर छू के माफी मांग रहा है। ये चन्नी साहब का हाल है, पौने 5 साल कांग्रेस ने जनता को गधे की तरह ट्रीट किया, खूब मारा, खूब पीटा, कोई काम ना किया, कभी मिले नहीं, कभी एक स्कीम ना किया। आखिरी के 3 महीने पैर छू रहे हैं कि जब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये आखिरी के 3 महीने। तो कांग्रेस क्या सोच रही है, अमरिंदर सिंह जी को हटा करके उस पाप से बचाएगी? तो जो अभी चन्नी साहब के चल रहे हैं ना, वो आखिरी के 3 महीने वाला काम है, गधे के पैर छू छू करके बोल रहे हैं कि जी वो जनता गधा नहीं है, जनता जो है समझदार हो गई है। तो ये जनता बेवकूफ को बेवकूफ ना समझे चन्नी साहब, ये सब कर करके ना, ये सब चालबाजियों से जनता भ्रमित नहीं हो पाएगी। जनता ने काफी समय कांग्रेस को दे दिया था, काफी समय था उनके पास, देखो ना अब जा करके जनता के दबाव में इनको लग रहा है कि भैया इससे हमारा वोट ना कट जाए। वो जो ड्रग का जो चार्ज है मजीठिया जी के ऊपर, तो वो अब थोड़ी सी एक्शन में आए हैं माननीय चन्नी जी। मैं तो कहता हूँ भाई पहले क्यों नहीं किया आपने ये सब? तो ये चुनाव के अंत में आप पैर छू करके जो है जनता को गधा समझना चाहते हो? जनता गधा नहीं, जनता बहुत स्मार्ट है, जनता मालिक है, जनता जनार्दन है, डेमोक्रेसी में मालिक है। तो पंजाब की जनता समझ चुकी है कि भाई इस बार ना तो कांग्रेस को हम वोट देंगे, ना भाजपा को वोट देंगे, ना अकाली को वोट देंगे, ना कैप्टन साहब को वोट देंगे। इस बार जो पिछली बार इन्होंने चालाकियां बरती थी उसको देखते हुए हम इस बार आम आदमी पार्टी को बहुमत से लेके आएंगे।
चंडीगढ़ के लोगों से किस तरह की अपील आप करना चाहेंगे? नहीं, चंडीगढ़ से इसलिए, चंडीगढ़ तो इतना खूबसूरत शहर है और हम लोग तो सोचते थे कि वो चंडीगढ़ से दिल्ली सीखेगा, हम इसी भाव से इस बार आए थे। लेकिन मैं सबसे पहले चंडीगढ़ के साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि भाई इस बार चंडीगढ़ को पहले चंडीगढ़ वापस लेके आए, रिस्टोर करें इसकी जो प्रिस्टीन ग्लोरी थी, जो चंडीगढ़ एक उदाहरण स्वरूप था पूरे विश्व में। दिल्ली वाले मतलब मैं देखता था कि भाई चंडीगढ़ चंडीगढ़ होगा, लेकिन आकर के मुझे उल्टा लगा। तो चंडीगढ़ को वापस उस प्रिस्टीन ग्लोरी में लाने के लिए एक बार आम आदमी पार्टी को मौका मिलना चाहिए, मेरी ये गुजारिश है। अगर हाँ, अगर हम अगली बार अगर हम काम ना करें हमको बाहर फेंक दीजिएगा। लेकिन दिल्ली वालों, आपने दिल्ली वालों का मॉडल देखा है कि वो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, यही भाजपा कांग्रेस की मुसीबत है। उनको लगता है अगर एक बार ये आगे तो फिर हटेंगे नहीं। इसीलिए चंडीगढ़ वासियों को मैं अपील करना चाहता हूं कि एक मौका दीजिए, आपको निराश नहीं करेंगे। जितने वादे हमने किए हैं सभी वादे दिल्ली की तरह ही यहां पे हमने पूरा करना है। केजरीवाल जी का नाम इसीलिए है कि जो कहा सो किया। तो ये हमारे साथ थे दिल्ली के कानून मंत्री रहे सोमनाथ भारती जी, जिनका कहना है कि नगर निगम चुनावों में चंडीगढ़ की जनता एक बार आपको अजमा के देखे। कांग्रेस और भाजपा को उन्होंने अजमाया है, एक मौका हमें देके देखे, हम बताएंगे कि किस तरह हमारा मॉडल उनसे अलग है और किस तरह से हम जो है यहाँ पे भ्रष्टाचार मुक्त जो है एक प्रशासन और एक सत्ता हम उनको देते हैं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।